म्यूज़िक कंपोज़र वाजिद खान हमारे बीच नहीं रहे। बीते कल वाजिद खान का निधन हो गया। इस खास रिपोर्ट में हम आपको वाजिद खान के अंतिम पलों के बारे में बताएंगे, जिसकी जानकारी उनके निधन के बाद सामने आई है। निधन से कुछ दिनों पहले वाजिद खान ने आखिरी बार मीका सिंह के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद जताई थी। इस बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वाजिद दर्द भरी आवाज में मीका से कह रहे हैं, मेरे लिए दुआ करो। आपको बता दें, एक वेबसाइट ने म्यूजिक कंपोजर और मीका सिंह के बीच की बातचीत का वीडियो साझा किया है। वाजिद कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मीका भाई, आपका मैसेज पढ़ा, बड़ी दिल को तसल्ली हुई, खुशी हुई। बस दुआओं की दरख्वास्त है दोस्त आपसे, तबीयत अभी ज़रा रिकवरी में हूँ, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ठीक हो जाऊँगा इंशा अल्लाह। वाजिद के ऑडियो से स्पष्ट है कि ऑपरेशन होने के बाद भी वो अपनी सेहत को लेकर चिंतित थे। वाजिद ने इस ऑडियो में कहा, ऑपरेशन तो हो गया है, बाकी की सारी चीज़ें दुआएं करो बस कि तुम्हारा भाई साथ फिर से खड़ा हो जाए, साथ में करेंगे इंशाअल्लाह, बस दुआ में याद रखो मेरे भाई, शुक्रिया आपके लव कंसर्न सपोर्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ करिए मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। ये वो आखिरी बातचीत है जो वाजिद खान ने मीका सिंह से की। मीका कहते हैं, वाजिद की डेथ किस वजह से हुई मुझे नहीं पता, अगर कोविड-19 से हुई है तो मैं घर से प्रे करूंगा, कोशिश करूंगा फ्यूनरल में जाने की, लॉकडाउन चालू है तब से मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिली, ये बहुत ही दुखद है कि उनसे मिलने जाने की बात मन में ही रह गई, बहुत बड़ा झटका है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए। आपको बता दें, मीका ने वाजिद के संगीत डायरेक्शन में सुल्तान में 440 वॉल्ट, राउडी राठौर में चिंता तातेता जैसे गानों को आवाज़ दी है। सोशल मीडिया पर वाजिद को श्रद्धांजलि देते हुए मीका लिखते हैं, हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर, बेहद टैलेंटेड म्यूजिक कंपोज़र जिन्होंने इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए, मेरे बड़े भाई वाजिद खान हमें छोड़कर चले गए, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमेशा आपको प्यार और याद करूँगा, आपका गीत सदाबहार है, वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।